आदरणीय सभापति जी, कोरोना के दौरान किस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बनी, कोई किसी की मदद कर सके ये असंभव हो गया। एक देश दूसरे देश को मदद न कर सके, एक राज्य दूसरे राज्य को मदद न कर सके, यहां तक कि परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार की सदस्य की मदद न कर सके, वैसा माहौल कोरोना के कारण पैदा हुआ। भारत के लिए तो दुनिया ने बहुत आशंकाएं जताई थी, विश्व बहुत चिंतित था कि अगर कोरोना के इस महामारी में अगर भारत अपने आप को संभाल नहीं पाया तो न सिर्फ भारत लेकिन पूरी मानव जात के लिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा, ये आशंकाएं सबने जताई। करोड़ों लोग फंस जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे, हमारे यहां भी डराने के लिए भरपूर बातें भी हुई। अरे ये क्यों हुआ ये मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि एक अननोन एनिमी क्या कर सकता है किसी को अंदाज नहीं था, हर एक ने अपने अपने तरीके से आकलन किया था। लेकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अननोन एनिमी से और जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी कि ऐसी चीज को ऐसे डील किया जा सकता है, इसके लिए ये प्रोटोकॉल हो सकता, कुछ पता नहीं था, एक नए तरीके से नए सोच के साथ हर किसी को चलना था। हो सकता है कुछ विद्वान सामर्थ्यवान लोग उनको कुछ और विचार हो सकता है, लेकिन था ये कि एक अननोन एनिमी था और हमें रास्ते भी खोजने थे, रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था। उस समय जो भी ईश्वर ने बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दिया इस देश ने उसको करते हुए देश को बचाने में भरसक काम किया है और आज दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि इस वाकई भारत ने दुनिया के मानव जाति की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। ये लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है, न किसी व्यक्ति को जाता है, लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है। गर्व करने में क्या जाता है, विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है, इस देश ने किया है, गरीब से गरीब व्यक्ति ने इस बात को किया है। उन समय सोशल मीडिया में देखा होगा, फुटपाथ पर एक छोटी झोपड़ी लगा करके बैठी हुई है बूढ़ी मां, वो भी घर के बाहर अपनी झोपड़ी के बाहर दिया जला करके भारत के शुभ के लिए कामना कर, हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उस भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। समय है जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था उसके मन में भी देश के लिए जो भी दिया जला करके भी देश की सेवा कर सकता हूं तो करूं, इस भाव से किया था और उसने देश में एक सामूहिक शक्ति का जागरण किया था, अपनी शक्ति का सामर्थ्य का परिचय करवाया था। लेकिन उसकी भी मजाक उड़ाने में मजा आ रहा है, विरोध करने के लिए कितने मुद्दे हैं जी, और करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बातों में न उलझे जो देश के मनोबल को तोड़ते हैं, जो देश के सामर्थ्य को नीचा आंकते हैं, इससे कभी लाभ नहीं होता है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, आप कल्पना कर सकते हैं जी, जब चारों तरफ भाई कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय ड्यूटी करना, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, ये छोटी चीजें नहीं है, इसका गर्व करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और इन सब के प्रयासों का परिणाम है
कि देश ने आज ये करके दिखाया। हम जरा भूतकाल की तरफ देखें, ये आलोचना के लिए नहीं है, उन स्थितियों को हमने जिया है। कभी चेचक की बात होती थी, कितना भय फैल जाता था, पोलियो कितना डरावना लगता था, उसकी वैक्सीन पाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती थी, कितनी तकलीफें उठानी पड़ती थी, मिलेगा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे लगाएं, एक दिन हमने बिताए। ऐसी स्थिति में उन दिनों को अगर याद करें तो पता चलेगा कि आज जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिना जाता है, वो देश मानव जात के कल्याण के लिए वैक्सीन लेकर के आ जाए। इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहे, ये मानव जात के इतिहास में भारत के योगदान एक गौरवपूर्ण गाथा है। इसका हम गौरव करें और उसी में से एक नए आत्मविश्वास की प्रेरणा भी जगती है। हमने उस नए आत्मविश्वास की प्रेरणा को जगाने के ऐसे प्रयासों को आज देश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इसी मेरे देश में चल रहा है। विश्व में तेज गति से टीकाकरण आज कहीं हो रहा है तो इसी हम सब की मां भारती के गोद में हो रहा है। और भारत का यह सामर्थ्य कहां नहीं पहुंचा है। आज कोरोना ने भारत को दुनिया के साथ रिश्तों में एक नई ताकत दी है। जब शुरुआत में कौन सी दवाई काम करेगी, वैक्सीन नहीं थी, तो सारा विश्व का ध्यान भारत की दवाइयों पर गया। विश्व में फार्मेसी के हब के रूप में भारत उभर करके आया। 150 देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकट काल में भी इस देश ने किया है। मानव जात की रक्षा के लिए पीछे नहीं। इतना ही नहीं, इन समय वैक्सीन के संबंध में भी विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है, हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है। हम सबको मालूम है कि दुनिया के बड़े बड़े अस्पताल में भी बड़े बड़े लोग भी जब ऑपरेशन कराने जाते हैं, कोई बड़े मेजर ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद प्रक्रिया सुनने के पहले उसकी आंखें ढूंढती हैं कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर है कि नहीं है, और जैसे ही एकाध टीम के अंदर एकाध भी हिंदुस्तानी डॉक्टर दिखता है ना, उसका विश्वास हो जाता है अब ऑपरेशन। ये देश ने कमाया है, इसका हमें गर्व होना चाहिए और इसलिए इसी गर्व को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस कोरोना में जैसे वैश्विक संबंधों में भारत ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, अपना स्थान बनाया है, वैसे ही भारत ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है, संकट के समय हम कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य ने मिलकर के करके दिखाया है। मैं राज्यों को भी, क्योंकि सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है, और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ताकत देने का काम, इस कोरोना के संकट को अवसर में पलटने का काम हमारे सभी ने किया है, इसलिए सब कोई अभिनंदन के अधिकारी हैं।